दोस्तों, ये तुम्हारे लिए है। तब तक मैं बाकी चीज तैयार करती हूँ। तो तुम लोगों को एक ड्रोन का चित्र बनाना होगा। हड़बड़ी मत करो, पहले तुम्हें आग पर यह पट्टी लगानी पड़ेगी। मुझे लगता है यह मुश्किल होगा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस महत्वपूर्ण है कि सही रंग मिल जाए। मुझे लगता है मेरा हो गया, बस बाहर के आउटलाइन करना बाकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम यह कैसे कर पा रहे हो, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है। जैकब, लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत आसान हो रहा है। नाक में इतनी खुजली क्यों हो रही है? अब तुम्हारी बारी जेस। चलो तुम्हारे ड्राइंग को उल्टा कर देते हैं, वैसे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। रुक जाओ, यह क्या बकवास मैंने बनाया है, कितना भयानक लग रहा है। और मैंने काफी अच्छा किया। जेस, मुझे माफ करना, पर जैकब जीत गया। पर मैं जीतना चाहती थी। वाह, कितना बढ़िया है यह। मैं हार नहीं मानूंगी, चलो इसे उड़ाती हूँ। यह तुम क्या कर रही हो जैस? बाय जैकब। कितना ऊंचा, मुझे डर लग रहा है। इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। देखो कितना बड़ा स्नीकर है। वाओ, कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलो शुरू करें। इस बार मैं नहीं हार सकती। मैं सीधी लाइन खींचने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, यह असली स्नीकर मेरी मदद करेगी। मैं बस इसके सहारे लाइन खींचूंगा और बस हो गया। चलो अब मैं तुम लोगों को थोड़ा परेशान करूंगी। भूकंप! इस तरह ड्राइंग बनाना नामुमकिन है। पेंसिल भी टूट गई। दोस्तों, समय समाप्त हो रहा है। शुक्र है मेरा सर तो चकरा रहा था। पेंसिल नीचे रखो। ठीक है, तो कैसा है? सच कहूं तो उतना अच्छा नहीं। देखते हैं तुमने क्या बनाया है जैकब। यह बहुत अच्छा है। वाह, स्नीकर तुम्हारा है। मुझे पता था यह मैं कर सकता हूँ। तुम बस भाग्यशाली निकले। हारने की आदत डाल लो जेस। ओह मैन, लगता है फिर से तुम लोगों को थोड़ा परेशान करने का समय आ गया है। कितनी बार? जैकब, उठो। अरे, दिख रहा है तुम्हारा सर चकरा रहा है। कितना स्वादिष्ट है, मैं तो लगभग तुम्हारे बारे में भूल ही गई। चॉकलेट फाउंटेन, वाह। इसके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने चश्मे दो। अब देखते हैं कि तुम कैसे बना पाते हो। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरे पेंट्स कहाँ हैं? अब तुम बनाओ ड्राइंग जैकब। किसी भी हाल में तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। वैसे मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैं सीधे चॉकलेट के साथ पेंटिंग करती हूँ, एकदम असली लगेगा। समय समाप्त, मुझे तुम लोगों की ड्राइंग देखनी है। क्या मेरा अच्छा है? हाँ ठीक है, लेकिन फिर जैकब का बेहतर निकला। फाउंटेन तुम्हारा है। मैं फिर हार गई। कितना स्वादिष्ट है यह। मैंने पहले कभी इतना चॉकलेट नहीं खाया है। इस बार तुम लोग कुछ बहुत ही विशेष ड्राइंग करोगे। एक खूबसूरत ड्रेस,
कितना सुंदर है। क्या तुम मजाक कर रही हो? चलो बातें बंद करो और ड्राइंग शुरू करो। मुझे पूरा यकीन है उस ड्रेस में तो मैं एक असली फिल्म स्टार दिखूंगी। तुम कितने सपने देखती हो जैस? क्या आप ड्राइंग शुरू भी करोगी? तुम सही कह रहे हो, मुझे बहुत अच्छा करना होगा। लड़ने लायक कुछ तो होना चाहिए। इस दौर में तो मुझे पेंटिंग करने का कोई मन ही नहीं है। जैस, मुझसे बात करो ना। तो मुझे परेशान मत करो, जल्दी करो। मेरा तो हो गया, बस अब ये थोड़ा ग्लिटर। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारी वजह से हर जगह बिखर गया। अब तुम यह लो। बेकार स्पार्कल्स, इन्हें मेरे ड्राइंग पर डालने की कोई जरूरत नहीं थी। रुक जाओ और अपना ड्राइंग दिखाओ। मैंने बहुत कोशिश की है, इस बार बुरा नहीं है। और यह रहा मेरा ड्राइंग, कितना खूबसूरत है। लेकिन मुझे ड्रेस नहीं चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने मना क्यों किया। तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? सरप्राइज, एक जिंदा मेंढक। कितना गंदा लग रहा है। हाँ, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ था जैकब? खुद ही मेंढक की तरह दिख रहे थे। समय बीत रहा है, बातें बंद करो। इस बार भी मुझे ड्राइंग करने का कोई मन नहीं है। ऐसे ही कुछ भी बना लेता हूँ। चिंता मत करो जैकब, मैं सब करती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पूरी मेहनत करनी होगी। काफी अच्छा लग रहा है। मैंने काफी बढ़िया काम किया और मैंने हारने के लिए सब कुछ किया। ओ, और उधर क्या है? अब जल्दी से ड्राइंग बदल देती हूँ। मैं चित्र देखने के लिए तैयार हूँ। कौन जीता यह तो स्पष्ट है। बेशक तुम जैकब, जल्दी से मेढक ले लो। बधाई हो। मुझे मेढक से डर लगता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, एक गेमिंग सेट मिला है। यह पाने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। अफसोस है लेकिन तुम सफल नहीं होगी। इसके बारे में देख लेंगे। मैं अच्छे से तैयारी करके आई हूँ। एकदम सही गणना करनी होगी। मेरा लगभग सब तैयार है और मुझे समय कम पड़ गया। लेकिन जो है सो है जैस, बुरा नहीं है जैकब। और मेरा कैसा है? बहुत बेकार जैस। तुम फिर जीत गए जैकब। जैस थोड़ी जगह बनाओ। मुझे खेलना कितना पसंद है। सबने मुझे छोड़ दिया। एकदम नया आईफोन। यह उपहार कैसा लगा? मेरे पास शब्द ही नहीं है। अरे हाँ, यह तो कमाल का है। चलो जैस, इसके लिए चुनौती शुरू। अच्छा है कि मैं अपने साथ यह ले आया था। मेरा एकदम असली की तरह लगेगा। मेरी ड्राइंग तैयार है, अब इसे काटती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ठीक आईफोन की तरह लगेगा।
और मेरा कागज पर ये एकदम असली लगेगा। रुक जाओ, सब तैयार है। यहाँ देखो, इसे कहते हैं असली कला। निर्णय लेना आसान नहीं है, लेकिन विजेता है जेस। मुझे पता था ये मैं कर सकती हूँ। मैं सबसे महत्वपूर्ण समय पर हार गया। मुझे डब्बा क्यों चाहिए होगा? हाँ, बहुत बढ़िया जेस। इन सबको देखो सोफिया। वाह, असली जादू। वैसे मेरे पास भी कुछ प्रतिभा है। यह शानदार है। वाह सोफिया, मुझे लगता है कि तुमने एक चॉकलेट चुनौती की शुरुआत की है। ओ यार, ब्रोकली। और इसकी शुरुआत कितनी अच्छी हुई थी। जब मुझे ये मिलता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती है। मैं आशा करती हूँ कि चॉकलेट इस स्थिति में मदद कर सकती है। मुझे शुभकामनाएं दो। छी, बहुत खराब, यह तो खाने लायक नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने गमी कैंडी के साथ इस समस्या में नहीं पड़ूंगी। वाह, देखो इसने फाउंटेन को कैसा बना दिया। अब मैं इसे खाकर देखने के लिए और भी उत्साहित हूँ। यह एक मीठा सिरप है और यह पूरी तरह से मेरे आंखों के साथ जाता है। मुझे लगता है कि मैं इस दौर में भूखी रह जाऊंगी। डोनट्स और अंडे, यह कैसे जुड़ी हुई? यह सही नहीं है। इस दौर में तुम स्पष्ट विजेता हो। माफ करो, लेकिन जो सामने है उसका सामना करना पड़ेगा। मैं इसे चॉकलेट में अच्छे से डुबोने जा रही हूँ। ओ यार, यह चीज तो बहुत बड़ी है। मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा मुंह छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत थी। तब इसे ठीक करना पड़ेगा। एकदम सही, इसने काम किया। मेरे दिमाग में भी एक शरारत आ रही है। मैं इस असली अंडे को चॉकलेट वाले के साथ बदल दूंगी। बहुत ज्यादा चॉकलेट जैसी कोई बात नहीं होती है, है ना? अजीब बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें उबले अंडे पसंद है। एक खुद ही खाकर देख लो। अच्छा ठीक है। सच में उतना बुरा नहीं लग रहा है। ओह, पर ये बहुत खराब है। छी। इस बदबूदार चीज के अलावा कुछ भी मिल जाता। नहीं, एक बर्गर, मुझे तो यह बहुत पसंद है, लेकिन चॉकलेट के साथ नहीं। क्यों ना मैं इसे थोड़ा बदल दूं? यह शानदार होने वाला है। अब बस इसमें चॉकलेट लगाना ही बाकी है। कितना लाजवाब, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। इसके लिए मुझे एक मजबूत क्लिप की जरूरत होगी। ज्यादातर स्वाद उसके महक से ही आती है, और यह चीज तो बहुत बदबूदार है। मैं तो इसे खाने में बहुत घबरा रही हूँ। मेरा हैक तो काम कर रहा है। एक क्लिप, यह सही नहीं है। वह हटाओ सोफिया। ओह, यह तो भयानक था। ओह, खट्टे नींबू। वाह, इतना बड़ा केक।
हाँ, अब इसे चॉकलेट में ढकते हैं। पर कैसे? ओह, मेरे पास एकदम सही तरीका है। और इसकी शुरुआत होगी मेरे एक कटआउट तस्वीर से। और फिर थोड़ा सा सॉस इकट्ठा करते हैं और इसके ऊपर डालने के लिए बहुत सारे स्प्रिंकल्स। यह कमाल का दिख रहा है, एकदम जैसे कि किसी प्रोफेशनल ने इसे सजाया होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, इसे खाना शुरू करती हूँ। मुझे घूरना बंद करो और अपना नींबू खाओ। ओह ठीक है, मुझे पता है मुझे करना ही होगा। वैसे भी इसमें मेरा पूरा ध्यान लग ही जाएगा। चॉकलेट के मीठेपन से शायद नींबू का खट्टापन कम हो जाए। ओह, या शायद नहीं। मजा लो अपने खाने का। आखिरकार मुझे अच्छा डिश मिला है। ताजा फल की खुशबू और गर्मी की याद आ रही है। खैर, मकई में भी गर्मियों की याद आती है। हाँ, इसमें दो राय नहीं है, तुम्हें बुरा विकल्प मिला है। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट की जोड़ी तो कमाल की है, इसमें कोई तुलना नहीं है। लेकिन एक एक कर खाने में बहुत समय लग जाएगा। मैं पहले सारे को चॉकलेट में ढक दूंगी। वाह, ये तो पाक कलाकृति है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इसे खराब करना होगा, लेकिन इसे बर्बाद होने नहीं दूंगी। तुम्हें तो काफी भूख लगी थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब मेरी बारी है खाने की। काश भुट्टा भी बेरी जितना स्वादिष्ट होता, लेकिन हमेशा तो नहीं जीत सकते हैं ना। अरे यार, मैं सही थी, लेकिन शुक्र है कि मुझे इसे बदलने का मौका है। मैं इसे पॉपकॉर्न बनाऊंगी। इसे बस अच्छे से हिलाने की जरूरत होगी। हो गया। यह देखो, यह है चॉकलेट पॉपकॉर्न। और इसमें और थोड़ी चॉकलेट मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा मार्शमेलोस, बहुत बढ़िया। कॉकटेल वाले प्याज, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो इस दौर में यही मिला है, बहुत बुरा। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं इसे कुछ अच्छा कर सकती हूँ। मेरे मार्शमेलोस को अपने नाक में मत डालो, कितना खराब। बस तुमसे ही सीखा है किसी गंध को बंद करने के लिए। ठीक है, अब कोशिश करती हूँ। जितना मुझे लगा था उतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है तुमने थोड़ा जल्दी कह दिया मेरी दोस्त। मुझे फिर से एक बड़े ग्लास की जरूरत होगी। आह, मेरा चेहरा। क्या तुम फाउंटेन के साथ की लड़ाई हार गई? हंसने की कोई बात नहीं है, इसका स्वाद अभी भी बहुत अच्छा है। चिप्स, वाह, धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जो मैं देख रही हूँ, एक कैक्टस। ओह, पर तुम इसे कैसे खा पाओगी? खैर, यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। फ्यूह, और ज्यादा चॉकलेट। और अब इन सबको एक साथ मिला देना है। चॉकलेट चिप्स, अब तक का सबसे अच्छा प्रकार। कितना अच्छा स्वाद। अरे, वो पूरा तुम्हारा है।
मुझे यह भी पता नहीं कि इसे कहां से शुरू करना है। वास्तव में यह झूठ है, इसको शेप कर देती हूँ। मैं तो ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी। एकदम सही तरीके से कटिंग हो गई, बहुत बेहतर। अब मैं पूरी सुरक्षित तरीके से इसे काट पाऊंगी। और यह वास्तव में बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। हमारा स्वाद वास्तव में बहुत अलग है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा आराम से सूजी। इतना बड़ा सुनहरा डोनट, कमाल का। मेरा वाला उतना सुंदर नहीं लग रहा है। इसी के साथ खुश रहो। और अब मेरे पास सबसे अच्छी और सबसे महंगी चीजें आ रही हैं। ये सॉस इतनी आसानी से डल रहा है। यह डोनट के साथ एकदम सही जोड़ है। और अब खाने का समय। यह लाजवाब है। एक क्राउन, धन्यवाद, बिल्कुल मेरे साइज का। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जब मैं अपना डोनट खाऊं। आह, मेरी मदद करो, मेरा क्राउन कहाँ है? इसके तो उम्मीद मैं नहीं कर रही थी। और मेरे विचार से तो यह क्रीम और फ्रॉस्टिंग बहुत स्वादिष्ट है। चिप्स, वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कैन तो बहुत ही साधारण सा है, पर मेरे वाला ऐसा लगता है कि यह सोने का बना हुआ है। और यह चिप्स भी। और यह चॉकलेट के साथ पूरी अच्छी तरह से जाता है। मैं तो बस अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। वह कमाल का था। आखिरकार अब मेरी बारी है इसे खोलने की। यह चिप्स नहीं है, यह कच्चे आलू है। कितना गंदा। इसकी तुलना तो चिप्स के साथ कर ही नहीं सकते। बेचारी सूजी को फिर से कुछ अच्छा नहीं मिला। इसे समाप्त करने का समय आ गया है। वो जो इतने मजे लेकर चिप्स खा रही है ना, उसको अभी मजा चखाती हूँ। मुझे लगता है कि चॉकलेट को सीधे कैन में डालना चाहिए। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा आइडिया है। जरा देखो यह कैसा निकला। यह आलू कहाँ से आया? शांत हो जाओ, हम इसे अभी तुरंत निकाल देंगे। मैं तो लगभग मरने ही वाली थी। उप्स। कितना सुंदर केला, एकदम सजा समरा, रत्नों से जड़ा हुआ। और मुझे वही बोरिंग पीला केला मिला है। तुम्हें तो अब इन सब की आदत ही पड़ गई होगी। आह, नहीं, कॉकरोच, कितना डरावना। सूजी, तुम्हें यह चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, चलो इसे बदल लेते हैं। कभी कभी साधारण चीज ही अच्छी होती है। और यह केला एकदम सही लग रहा है। स्वादिष्ट। एक कॉकरोच। कोई मदद करो, इसे अभी तुरंत मेरे ऊपर से हटाओ। माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। कॉकरोच, चलो भागो। कितने अच्छे रंगीन चमकीले कैंडी हैं। और मुझे कुछ भी नहीं मिला। कभी हमें कुछ अच्छा मिलता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता है। क्या कर सकते हैं। हालांकि तुम मुझे देख सकती हो कि मैं अपनी कैंडी को मजे कैसे लेती हूँ। पर यह सही नहीं है। मैं उनमें से एक ले लेती हूँ, ब्रिटनी को पता भी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ। तो ठीक है, फिर मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। मैं अपना खुद का लॉलीपॉप बनाऊंगी। यह बहुत अच्छा बन गया। अब बस इसे पेंट करना ही बचा है।
अब यह एकदम असली चीज लग रहा है। वाह, तुम्हें यह कहाँ से मिला? मुझे यह चाहिए। ओ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। पर मैं इसे तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, लो यह लो। तुम्हारे साथ यह व्यापार अच्छा लगा, लो यह ले लो। और मैं जल्दी से एक महत्वपूर्ण काम पर लग जाती हूँ। मैं सारे कैंडी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दूंगी। हाँ, यह हो गया। अब इसे चॉकलेट के साथ खाना ज्यादा आसान हो गया। सबसे अच्छा डेजर्ट। मैं भी अपना कैंडी खाकर देखती हूँ। कितना अजीब सा स्वाद है, ये तो कार्डबोर्ड की तरह लग रहा है। बर्गर, वाह बहुत बढ़िया, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इसे अभी तुरंत खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं तो अपने दस्ताने पहनना भूल ही गई। अब इस पर सॉस डालती हूँ और अब खाने का समय। यह कॉम्बिनेशन उतना बढ़िया नहीं है, सच कहूँ तो यह है। सोजी, देखो तुमने अपने दास्ताने किधर फेंके हैं। तुमने मेरा मेकअप बर्बाद कर दिया है। ओ, इसे खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बारे में तो सोचना भी मत, यह सब मेरा है। मैं इसे पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दूंगी, फिर खाऊंगी। क्या बकवास है? ओह, इतने सारे सिक्के? मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा ताकि मेरे दांत टूटने से बच जाएं। तुम बहुत किस्मत वाली हो, ये सिक्के मेरे काम आएंगे। एक पूरा तरबूज, दिलचस्प। वैसे मेरे तरबूज के छिलके में कीमती रत्न जड़ा हुआ है, केवल चॉकलेट डालना बाकी है। बहुत रसदार। आखिर मैं इस तरबूज को काटू कैसे? मैं इसे पूरी ताकत लगाकर तोड़ देती हूँ। बहुत बढ़िया, यह बड़ा चम्मच अच्छे से काम करेगा। यम, अगर तुम कुछ शिष्टाचार सीख लोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं इसे चॉकलेट से भरने वाली हूँ और फिर सब पी जाऊंगी। इस तरह से तो वो बहुत मजे कर रही है। कैसा रहेगा अगर मैं यह विशेष चीज को उसमें मिला दूं तो? तरबूज का आधा भाग अभी भी बचा हुआ है। हो गया, पूरा खत्म। अब समय है इसमें अच्छी चीज को भरने का। इसका स्वाद, मुझे उल्टी आ रही है। मेरे तरफ नहीं, मुझसे दूर रहो। पिज़्ज़ा। और मुझे बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। अरे वाह, कैश। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यह असली पिज्जा से ज्यादा पसंद है। इस पैसे से मैं इटली जा सकती हूँ और वहाँ का विशेष पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ। हेलो, जागो, क्या तुम यहाँ हो? हेलो। ओह, मेरा पिज्जा, धन्यवाद, यह तुम्हारे लिए।
यह बहुत अलग तरह का पिज्जा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बस इस पर और चॉकलेट लगाने की जरूरत है। हमेशा की तरह उसे ही बेहतरीन व्यंजन मिले हैं। और अब यह टुकड़ा, मैं यहाँ सिर्फ ऐसे बैठने वाली नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं, और बदले में मैं तुम्हें अपना पेपरोनी दूंगी। छी, कितना खराब। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? पर यहाँ मेरे लिए सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है। ओह मैन।